बीए सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मानव प्रजातियों के ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसमें मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण की बात करेंगे। तो वर्गीकरण की यदि बात अलग अलग यदि भूगोलवेताओं के आधार पर देखें तो कुरियर जो भूगोलवेता ने कहा कि त्वचा के वर्ण के आधार पर उसने तीन मानव प्रजातियों के वर्ग बनाए, एक निग्रोइड, नंबर दो मंगोलाइड और नंबर तीन काकेसाइड। उन्होंने बताया कि निग्रोइड जो जाति है वो काली प्रजाति होती है, काले रंग की होती है, जबकि मंगोलाइड है वो पीत वर्ण की होती है और काकेसाइड है वो श्वेत प्रजाति के नाम से उन्होंने बताया है। लेकिन बाद के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये गलत बताया और अलग अलग और भूगोलवेता हैं उन्होंने इस बात को ये कहा कि केवल त्वचा के वर्ण के आधार पर ही जाति का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। ई बी जो टेलर भूगोलवेता हैं उन्होंने ये विश्लेषण करते हुए बताया कि जो इनसाइक्लोपीडिना ब्रिटेनिका है उसमें लिखा है कि कुरियर का वर्गीकरण न तो यथोचित है और न ही पर्याप्त है, क्योंकि केवल वर्ण के आधार पर, त्वचा के वर्ण के आधार पर जातियों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी जो जातियों का वर्गीकरण है वो कपाल सूचकांक के आधार पर प्रधानता दी है। इसी क्रम में टी हैक्सले ने ये माना है कि जातियों का जो वर्गीकरण है उन्होंने केसों को आधार माना है, हेयर्स को आधार माना है, और क्रॉबर ने त्वचा के वर्ण के आधार को अपूर्ण और अपर्याप्त बताया है, और उसने कद के आधार पर, कपाल सूचकांक के आधार पर, बालों की रचना के आधार पर इसका उल्लेख किया है जाति का। इसलिए इनको सबको बेस माना है। तो इस प्रकार से कई बार सवाल आ जाता है कि किसी एक भूगोलवेता के द्वारा जो जातियों का वर्गीकरण कीजिए, तो इनमें हम ग्रिफिथ टेलर के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं, जी टेलर के आधार पर कि जातियों का वर्गीकरण, जो जातियाँ हैं उनका वर्गीकरण ग्रिफिथ टेलर के आधार पर कीजिए। तो ग्रिफिथ टेलर ने अपने जातियों का जो वर्गीकरण है वो सिर घातांक तथा बालों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण 7 जातियों में किया है, मानव प्रजातियों में किया है, और उस जो कपाल घातांक है उसके अनुसार ये प्रजातियों का क्रम इस प्रकार से है। नंबर एक निग्रेटो जाति, दूसरा निग्रो जाति, नंबर तीन आस्ट्रेलाइट, और नंबर चार मेडिटेरियन जाति प्रजाति, और नंबर चार पाँच नार्डिक, और नंबर छः अल्पाइन, और नंबर सात मंगोलियन। ये इस प्रकार से 7 प्रजातियाँ उन्होंने बताई हैं। तो ये निग्रेटो का उन्होंने बताया कि इनका जो सिर है बहुत पतला सिर होता है, निग्रो का बहुत लंबा सिर होता है, आस्ट्रेलाइट का लंबा सिर होता है, मेडिटेरियन का मंझला सिर होता है, और नार्डिक का मंझला सिर होता है, अल्पाइन का चौड़ा सिर होता है, और मंगोलिक जो जाति है उसका सिर बहुत चौड़ा होता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया ये सारी चीज़ें। तो टेलर का मत ये था कि ये जो मानव प्रजातियां हैं उनका जो उद्गम क्षेत्र है वो मध्य एशिया था, या द क्रेडल ऑफ लैंड सिविलाइजेशन की जैसे हम बात करते हैं उसी तरह से ये क्रेडल ऑफ लैंड या उद्गम क्षेत्र एशिया था, एशिया का जो पार्ट था मध्य एशिया का, वहीं से ये प्रजातियाँ सब निकली हैं और यहाँ से होके विकसित होती हुई प्रजातियाँ अलग अलग महाद्वीप में के भारी शुरू में पेटियों में जा बसी, और सबके बाद विकसित और प्रजाति का उद्गम प्रदेश जो लास्ट में जो जाति थी ये अलग अलग जातियाँ जाति चली गई जैसे जैसे विकसित हुई, और अंतिम जो जाति थी ये मंगोलिक जाति है वो वहीं बस गई। तो इस प्रकार से इनका ये मानना है कि टेलर ने कहा कि जातियों का जो वर्गीकरण किया उसका आधार पर उसने एक प्रजाति प्रवास कटिबंध सिद्धांत का और प्रतिपादन किया है। वो बाद में इसके बाद बताएंगे कि जो स्टेटा जोन थ्योरी और क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन 7 जातियों का जो वर्गीकरण की बात करते हैं, तो नेग्रिटो जाति पहली जाति है, इसके बारे में आप बताएंगे कि नेग्रिटो प्रजाति जो नाटे कद की होती है, मतलब इसका जो कद है वो बड़ा नहीं होता है, और इसका जो रंग की यदि बात करें तो चॉकलेटी रंग से लेकर काले रंग तक होती है, मतलब वर्गीकरण में कहीं पर यह हो सकता है बिल्कुल काला रंग हो तो कहीं चॉकलेट कलर हो, तो इन दोनों के बीच में इसका कद होता है। नाक चौड़ी और चपटी होती है, और इसका जो आधार है या हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रजाति है वर्तमान में ये कौन से देशों में रहती है इसकी बात करें तो ये प्रजाति श्रीलंका, मलाया, फिलीपींस द्वीप, न्यू गिनी द्वीप के अतिरिक्त अफ्रीका के जो
जो कांगो प्रदेश में भी के वनों में भी ये प्रजाति रहती है, युगांडा में भी रहते हैं, और कैमरून जो है अफ्रीका में है, और अंडमान जो द्वीप है उसमें एक जाति निवास कर रही है। दूसरी जाति निग्रो है। निग्रो जाति ये प्रजाति लंबे सिर की होती है। इसकी बनावट सिर घातांक इसका 70 से 72 के बीच में होता है। सिर के जो सिर का इंडेक्स है उसके आधार पर ये प्रजाति का सब वर्गीकरण किया है, और इसके बाल बहुत लंबे और ऊन जैसे होते हैं। निग्रो जो दूसरी जाति है, त्वचा का वर्ण इसका काला या काजल के समान, इसका मतलब ये कह सकते हैं वो तो चॉकलेट ही था निग्रेटो जाति तो, और इनका रंग तो काला हो काला और काजल की तरह, इसका मतलब ये थोड़ा ज़्यादा कालापन है, वो थोड़ा सा चॉकलेटी रंग में भी आ जाते हैं, और इनके बाल जो है जबड़े बाहर निकले होते हैं, नासिका चौड़ी हो और चपटी होती है। ये निग्रो प्रजाति के लोग पूरी दुनिया के छोरों पर रहते हैं ये देखा गया है। तो इनका यदि विस्तार अफ्रीका में देखें तो ये सूडान और पश्चिमी अफ्रीका का जो गिनी का तट प्रदेश है, ये गिनी का तट है अफ्रीका में, उसके पास ही निवास करती हैं, और न्यू गिनी के पापुआ में प्रदेश में भी ये जाति रहती है। तीसरी जाति ऑस्ट्रेलाइड है। ये प्रजाति भी लंबी सिर वाली होती है। इसका कपाल घातांक 72 से 74 होता है। तो ये हम एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि ये जो क्रम्स जो इनका जो ये सिर घातांक का इंडेक्स बढ़ रहा है, इस आधार पर ये जातियों का ये क्रम दिया गया है। अब आप देखेंगे वो 70 से 72 था, ये 72 से 74 है। इनके बाल उनके समान और घुंघराले होते हैं। त्वचा का वर्ण चमकदार काले रंग से लेकर वो चॉकलेटी रंग होता है, इसका भी उसे वैसे ही है। नाक मंजली होती है। ऑस्ट्रेलिया प्रजाति के लोग ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पूर्व, मतलब ब्रिटिश जो उपनिवेश बना इससे पूर्व ये लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर रहते थे, परंतु बाद में अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया को जो कब्जा कर लिया तो यहाँ से ये लोग मरुस्थलीय झाड़ियों की ओर चले गए, क्योंकि ये असभ्य जातियाँ तो थी तो उधर चली गई। भारत के मध्य और दक्षिणी भागों में ऑस्ट्रेल जाति रहती है। मध्य भागों में और दक्षिणी भाग में ऑस्ट्रेल जाति के जो अवशेष हैं वो मिलते हैं और वहाँ रहते हैं। और ऑस्ट्रेलाइट संभवतः उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और दक्षिणी यूरोप में बसी हुई है। न्यू मैक्सिको में इस प्रजाति के चिन्ह मिलते हैं, इसका मतलब कभी न्यू मैक्सिको में भी ये प्रजाति रही होगी। चौथी है मेडिटेरियन प्रजाति। ये जो प्रजाति है, ये मेडिटेरियन प्रजाति के लोग लंबे सिर वाले होते हैं। इनका अनुपात 74 से 77 तक होता है। मतलब क्रम से आपको याद रखने की चीज़ है कि 70 जो शुरुआत की जो प्रजाति है वो नेग्रेटो का 70 से 72 है, फिर 72 से 74 और 74 से 77। इसका मतलब ये घातांक है, कपाल घातांक का अनुपात बढ़ता चला जाता है, इसी से आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। इसके जो बाल हैं घुंघराले होते हैं, जबड़े थोड़े आगे निकले होते हैं। सबसे प्राचीन मेडिटेरियन और ओरिगेनशियंस लोग इसको कहते हैं। ये बिल्कुल छोटे कद की थे और चेहरे की बनावट हल्दीदार थी, और इस प्रजाति में अरबी लोग थे जिनके शरीर सुगठित थे और त्वचा का वर्ण जैतूनी या कांसे जैसा था। मतलब ये मेडिटेरियन जाति काले रंग की नहीं थी, ये जैतूनी रंग का इसका कलर था। इसके बाद ये यू के लंबे लोग होते, जिसकी नाक उभरी हुई थी। मेडिटेरियन प्रजाति 6 बसे हुए महाद्वीप में बाहरी सिरों पर पाई जाती थी। इसका मतलब ये महाद्वीपों के बाहरी सिरे में आउटर एरियाज में पाई जाती थी, जैसे यूरोप में पुर्तगाली लोग थे वहाँ रहते थे, अफ्रीका में मिस्री में, तो वो बाहरी आउटर एरिया हो गए, कोस्टल एरिया हो गए। ऑस्ट्रेलिया में माइक्रोनेशियंस में और उत्तरी में यूरोप आई में और दक्षिण अमेरिका में टूपी में ये लोग रहते थे। नेक्स्ट है नार्डिक प्रजाति। नार्डिक लोग मंजली सिर के होते हैं। इनका कपाल का अनुपात 78 से 82 तक होता है। बाल घेरदार होते हैं इनके, और इनका चेहरा लगभग चपटा और लंबी नाक लंबी होती है। त्वचा का वर्ण हल्का भूरा और गुलाबी है, मतलब यहाँ जाके ये प्रजाति का रंग बदल जाता है नार्डिक में, हल्का भूरा। और इतिहास के आधार पर हम देखें तो ये प्रजाति के लोग यूरोप, एशिया और दोनों अमेरिकाओं में जो अंदर की पेटी में रहते हैं। ये प्रजाति न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के महासागरीय भाग में पोलिनेशिया क्षेत्र में भी रहती थी। मतलब केवल हम ये कह सकते हैं कि ये इन क्षेत्रों में से केवल ये जो नार्डिक प्रजाति है वो अफ्रीका के अंदर इसके निवास कोई पेटी नहीं है,
और पश्चिमी अफ्रीका में कुछ अवशेष ज़रूर मिले हैं, मतलब अफ्रीका के जो पार्ट में कहीं आप इसके अवशेष मिले तो केवल पश्चिमी अफ्रीका में मिले हैं। और सिक्स जो है अल्पाइन प्रजाति है, ये ऊंचे प्रदेश वाला भाग हो गया, हाई लेटीट्यूड्स की बात कर रहे हैं कि अल्पाइन प्रजाति चौड़े सिर की होती है जिसका घातांक 82 से 85 होता है। चेहरा उसका जबड़ा है एक सीध में होते हैं, नाक पतली होती है, केस काफ़ी सीधे होते हैं, त्वचा का वर्ण भूरे से श्वेत तक होता है। यहाँ देखने की बात है कि ये जो प्रजाति अल्पाइन है, आज भी हम अल्पाइन्स की बात करते हैं तो इसको ठंडे प्रदेशों की बात कर रहे हैं, क्लाइमेटिक के हिसाब से तो इसका रंग स्वतः है भूरे और श्वेत रंग का होगा। अल्पाइन प्रजाति की दो शाखाएँ बना दी गई हैं, एक पश्चिमी शाखा में स्विस, स्लाव, आर्मेनियन तथा अफगान लोग हैं जिनका वर्ण अधिक गोरा होता है, ये लोग पश्चिम की ओर हैं, उनका रंग अधिक गोरा है, जबकि पूर्वी शाखा में फिन्स, मगियार्स, मंचू और के लोग हैं जिनकी त्वचा कुछ पीले रंग की होती है। इतिहास के आरंभ में अल्पाइन प्रजाति के लोग दोनों अमेरिका में थे, यूरेशिया में थे। ये माना जाता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और यूरेशिया में अल्पाइन जाति के लोग रहते थे। अंतिम प्रजाति मंगोलियन प्रजाति है और मंगोलियन ये प्रजाति लगभग गोल सिर की होती है, तो ये सबसे इनसे अलग सिर हो गया इसका, तो गोल सिर वाली जो प्रजाति है इसका यदि कपाल घातांक भी देखें तो सबसे हाईएस्ट है, 85 से 90 के बीच में इसका कपाल घातांक है, इसको ये जाति औरों से थोड़ा भिन्न है, ये हमने देखा है। और इसे केस सीधे और सपाट होते हैं, जबड़ा भीतर की ओर और चेहरा अवतल कॉनकेव होता है, नाक पतली होती है, त्वचा का वर्ण पीले से खुबानी रंग का होता है, इस प्रकार से इसकी शरीर की बनावट है। इतिहास में बताते हैं कि मंगोलियन प्रजाति केवल एशिया के विशाल केंद्रीय भाग में रहती थी, ये मंगोलियन जिसे आज भी बात करते हैं तो इस भाग में रहती, इसके बाद ये प्रजाति पश्चिमी तुर्किस्तान की ओर और पूर्व में महाद्वीपीय तट तक फैली चली गई। ये लोग पूर्वकालीन अल्पाइन्स, नार्डिक और मेडिटेरियंस प्रजाति से मिश्रित हो गए, इसका मतलब ये मिश्रित जाति होने के लोग, ये लोग चीन तथा उसके पड़ोस देशों में भी नई मिश्रित प्रजाति बस गई, इसलिए मिश्रित होने की वजह से इस जाति का रंग वगैरह है, स्वरूप है वो बदल गया। तो इस आधार पर ये जाति का वर्गीकरण 7 भागों में किया गया। विकास की बात करें या नेक्स्ट टाइम हम इसका जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है उसकी बात करेंगे, और वो कटिबंध के बाद में भारत की जो जातियाँ हैं उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। धन्यवाद।